देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में करीब 120 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित थी। इसके अलावा आपसी विवाद, भरण पोषण, समाज कल्याण विभाग की पेंशन और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कोविड काल में अधिकृत किए गए वाहन जैसी समस्याएं भी सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। हमने देखा लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं हर बार बताती हूँ, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी अपील भी रहेगी सभी को कि एक तो जो घर में बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान भी रखें, और अगर किसी को किसी तरह से परेशानी है तो वो जनता दरबार में भी आ सकते हैं। और एक भरण पोषण हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसके अंदर वो अगर SDM के यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके क्रम में कोर्ट में केस चलता है और डिसीजन होते हैं। तो यही है कि सब लोग इसमें सेंसिटाइज हों और सीनियर सिटीजन से।